हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन के पार्ट एट वीडियो लेक्चर में हम और कुछ मेडिसिन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो ये जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ है बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हम स्पेशली मेडिसिनस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं तो ये हमारा पार्ट एटीन वीडियो लेक्चर स्पेशली है ऑन एंटीबायोटिक्स और उसमें भी हम ये तीन जो एंटीबायोटिक्स है कि लाइक एजिथ्रोमाइसिन है इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये जो एंटीबायोटिक्स है उनका बेसिक यूज़ क्या है कौन से अलग अलग डिसीज या फिर डिसऑर्डर्स के लिए हम ये एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उनका डोज क्या होता है सभी को हम ये लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक् विदार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एम्प्रेस ऑन द बेल never एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स Rocks का मोबाइल एप्लीकेशन अब अवेलेबल है सो डाउनलोड दिस ऐप Rocks Android एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज Apple आईफोन app on App स्टोर so get this app from google play store as well as from apple iphone app store the links are given in description box you will get the study material test series for gpap pharmacist di niper exam also the video lecture and options for printed study material also available on this app so gpap niper di pharmacist exam online test series video lecture and everything is available on the app for the preparation of GPET, Niper DIN, Pharmacist exam. You will also get this uh, lucky student offer code LUCKY100 and apply this coupon code and get 10% flat discount valid for first 100 lucky students only. So get the facility of this test series video lecture on the app PharmaRocks Android application on Google Play. एज वेल एज एप्पल आईफोन एप ऑन एप स्टोर तो मैक्रोलाइट की जो एंटीबायोटिक्स है कि मैक्रोलाइट जो क्लास है उसकी ये एंटीबायोटिक्स है कि एजिथ्रोमाइसिन देन इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन तो ये जो एंटीबायोटिक्स है वो अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं तो so, जानते हैं डिटेल के बारे में डिटेल में उसके बारे में तो वॉट मैक्रोलाइट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स क्या है तो केमिस्ट्री के तौर से देखिए तो मैक्रोलाइड मतलब कि जिनके अंदर मैक्रोसाइक्लिक लेक्टॉन रिंग अटैच होती है मतलब कि ऐसे एंटीबायोटिक्स ड्रग्स कि जिनके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है ये मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन रिंग और वो अटैच होती है सुगर्स के साथ तब जो एंटीबायोटिक्स तैयार होते हैं उनको हम मैक्रोलाइड कहते हैं एंड द कॉमनली यूज मैक्रोलाइट ड्रग्स आर इरिथ्रोमाइसिन की जो काफ़ी वाइडली यूज होती है फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन रॉग्जीथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन तो शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसने ये एंटीबायोटिक्स यूज ना की हो स्पेशली ये एजिथ्रोमाइसिन क्या आप कॉमेंट बॉक्स के अंदर कॉमेंट करके हमें खास बता सकते हैं कि आपने कई एजिथ्रोमाइसिन आपने यूज की है या नहीं या फिर रॉग्जिथ्रोमाइसिन क्लैरिथ्रो या फिर इरिथ्रो, बिकॉज बहुत सारे नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे है कि जिसके अंदर ये यूजली प्रिस्क्राइब किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन तो क्या है वो जानते हैं तो यह है मैक्रोलाइट्स के क्लास की ड्रग्स एंड जिसके अंदर प्रेजेंट होती है मैक्रोसाइक्लिक लैक्टॉन रिंग। तो उसमें से ये जो एजिथ्रोमाइसिन हम देखें तो एजिथ्रोमाइसिन एक, एक एंटीबायोटिक है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास की काफ़ी फेमस ड्रग है जो है यूज होती है टू ट्रीट यहाँ पे आप खास ध्यान रखिए इट इज वाइडली यूज टू ट्रीट चेस्ट इंफेक्शन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है चेस्ट इंफेक्शन को हम चेस्ट इंफेक्शन के अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं कि जब चेस्ट के अंदर आपको कोई इंफेक्शन है और वो भी जब बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है स्पेशली वो भी बैक्टीरियल इंफेक्शन किसी को होता है चेस्ट के अंदर तो उस वक्त हम ये एजिथ्रोमाइसिन उसको प्रेस्क्राइब करते हैं सच एज न्यूमोनिया कि जो न्यूमोनिया जो कंडीशन होती है जब पेशेंट को न्यूमोनिया होता है तो उस वक्त जो इंफेक्शन है बैक्टीरियल इंफेक्शन वो स्पेशली है हमारे चेस्ट के रीजन के अंदर और उसके अंदर हमारे चेस्ट का पोर्शन अफेक्ट होता है प्लस लंग्स अफेक्ट होते हैं एंड तीसरा मैं कहूं तो उसके अंदर हमारा सिंपली रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होता है तो स्पेशली जो आरटीआई हम कहे रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई जो हम कहते हैं आरटीआई मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं यहां पे मेडिसिन के तौर पे आरटीआई का मतलब होगा रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन तो जो आर होते हैं उसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन जो है वो काफी इफेक्टिव साबित होती है एंड द इन्फेक्शन ऑफ नोज देन थ्रॉट सच एज साइनस इन्फेक्शन कि जिसको हम कहते हैं साइनसाइटिस स्किन इन्फेक्शन एंड लाइम डिसीज तो रेस्परेटरी ट्रैक के अलावा हम देखें तो जो स्किन के इन्फेक्शंस के अंदर भी एजिथ्रोमाइसिन कई बार दी जाती है एज वेल एज फॉर लाइम डिसीज ऑल्सो तो काफ़ी फेमस एंटीबायोटिक ड्रग है कि जब खासकर आपको एजिथ्रोमाइसिन आपने कई बार देखा होगा कि जब आपको कोई रेस्परेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो साइन साइनासाइटिस मतलब कि कॉफ एंड कोल्ड हुआ है किसी पेशेंट को कफ हुआ है प्लस कोल्ड है और प्लस फीवर भी है तो उस वक्त आ, प्लस एक और कंडीशन यहाँ पे है सोर थ्रोट पेशेंट का कि थ्रोट में थोड़ा उसको इन्फेक्शन जैसा लग रहा है कॉफ भी है कोल्ड भी है फीवर भी है तो उस वक्त यूजली क्या कॉम्बिनेशन बनेगा वो पेशेंट के लिए तो उसको आप फीवर को ट्रीट करने के लिए तो पैरासीटामॉल देंगे ही प्लस समझो कि आप कॉफ़ एंड कोल्ड के लिए उसको कोई भी एंटीटिव दे सकते हैं या फिर एलर्जी के कारण हुआ है तो उसके अंदर लिवोसेट्रीजिन देते हैं या फिर क्लोरफिनाइमाइन सीपीएन भी हम देते हैं और साथ में वो पेशेंट को सॉर थ्रोट है तो एंटीबायोटिक के अंदर एजिथ्रोमाइसिन जो है वो खासकर प्रिस्क्राइब की जाती है कि जिसके कारण उसका सॉर थ्रोट या फिर थ्रोट इन्फेक्शन भी क्योर uh, हो जाएगा एज वेल एज जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम है कि कॉफ भी है उसको कोल्ड भी है तो ये जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है एज वेल एज थ्रोट तो उस वक्त हम ये जो एजिथ्रोमाइसिन एज एंटीबायोटिक अदर मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं तो आगे सीखते हैं उसके अंदर कि ऑल्सो यूज फॉर सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के एजिथ्रोमाइसिन को कि सेक्सटिडिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की जो हम एस्टिडिस कहते हैं कि लाइक सिफिलिस है गोनोरिया है उस वक्त भी ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब की जाती है तो एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी फेमस है मोस्ट ऑफ लोगों ने ये एजिथ्रोमाइसिन खास यूज़ की होगी कि अलग अलग जब बैक्टेरियल इन्फेक्शन उसमें भी जब रेस्टरेट्रैक रिलेटेड होता है निमोनिया जैसी कंडीशन होती है नोज एंड थ्रॉट इंफेक्शन है साइनस इंफेक्शन है और चेस्ट इन्फेक्शन जिसके अंदर स्पेशली न्यूमोनिया तो उस वक्त ये एजिथ्रेमाइसिन पेशेंट को दी जाती है फिल्म कोटेड टैबलेट्स आती है और यूजली जो उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो 500 हंड्रेड एम जी फाइव डोज जो है वो पेशेंट को दिया जाता है कंडीशन uh, डिपेंड करती है कि कंडीशन थ्रॉट इन्फेक्शन ज़्यादा है तो टू टाइम्स ले सकता है पेशेंट नहीं तो वंस अ डे 500 हंड्रेड डे फाइव हंड्रेड लेता है पेशेंट तो भी वो इनफ रहता है ये एजिथ्रोमाइसिन का डोज बिकॉज हायर डोज से भी फिर साइड इफेक्ट्स वगैरह होती है वो हम आगे देखेंगे कि ये जो मैक्रोलाइट क्लास की जो साइड इफेक्ट्स है वो भी हम जानते हैं तो प्रॉपर मैनर uh, में ही लेना जरूरी है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स रहती है ओटीसी में ये आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए तो ये प्रिकॉशन से कि अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन ये प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको लेना चाहिए विथ प्रॉपर एडवाइस कि कितना डोज लेना है कितने टाइम लेनी है तो अभी हम एजिथ्रोमाइसिन के बाद आगे जो सीखते हैं मैक्रोलाइड के जो एंटीबायोटिक्स की इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम जान लें तो इरिथ्रोमाइसिन जो है कि फर्स्ट डिस्कवर हुआ मैक्रोलाइड की रिथ्रोमाइसिन इज द फर्स्ट मेंबर डिस्कवर इन नाइनटीन फिफ्टीज तो उस पर से हम पता लगा सकते हैं कि जो एजिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन जैसे जो एंटीबायोटिक्स है वो सालों से यूज हो रहा है और ये जो क्लास है के पीछे माइसिन लगता है और ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास के ड्रग से तो इरिथ्रोमाइसिन तो 1950 से यूज होती आ रही है एंटीबायोटिक फिर आगे आगे उसके जो अलग अलग डेरिवेटिव तैयार होते हुए हो, होते गए अलग अलग उसके वर्जन्स कि रॉग्जीथ्रोमाइसिन आया क्लैरिथ्रोमाइसिन आया मार्केट में फिर एजिथ्रोमाइसिन आया और अभी लेटेस्ट में ज़्यादा आप ट्रेंडिंग में देखें तो एजिथ्रोमाइसिन बहुत सारे प्रैक्टिसनर्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें भी स्पेशली ट्रैक इन्फेक्शन जब होता है किसी पेशेंट को थ्रॉट इन्फेक्शन होता है न्यूमोनिया साइनस जैसा होता है तो उस वक्त एजिथ्रोमाइसिन काफी इफेक्टिव साबित होती है तो दीज आर द एंटीबायोटिक्स हैविंग ए मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग विथ अटैच टू सुगर कि आप ये स्ट्रक्चर देखें तो मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग की जो सुगर्स के साथ उसकी अटैच होती है तो ये है इरिथ्रोमाइसिन केमिस्ट्री के तौर पे हम देखें क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड दिस इज द एजिथ्रोमाइसिन तो यहाँ पे लैक्टोन रिंग कौन सी है और कौन से सुगर से तो ये जो दो है दिस वन ये दोनों सुगर से और ये वाला जो तैयार होता है पूरा स्ट्रक्चर ये है लैक्टोन रिंग यहाँ पे आप देखे तो दिस वन यहाँ पे कह सकते हैं लैक्टोन ये भी लैक्टॉन दिस इज ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन और उसके साथ ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सुगर यहां पर भी दीज आर दूगर्स एंड हियर ऑल्सो फॉर द एजिथ्रोमाइसिन तो ये थे आपने स्ट्रक्चरली भी उसको समझ लिया मैक्रोलाइट्स को तो मैक्रोलाइट्स के जो एंटीबायोटिक्स है जिसके अंदर स्पेशली ये लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है इसी के कारण उसको मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग कंटेनिंग एंटीबायोटिक ड्रग्स कही जाती है और उनका नाम पड़ता है मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक्स और उसकी जो अलग अलग ड्रग्स जो हमने जानी फिर मल्टीपल कीटोन ग्रुप्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है एंड जो शूगर्स है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से उसके अंदर जॉइंट होते हैं ये आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है एजिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन और एक्सिन के बाद एक और उसका क्लास है वो है टेलीथ्रोमाइसिन की जो कीटोलाइड क्लास की ड्रग है कौन से कीटोलाइड मैक्रोलाइड की तरह कीटोलाइड कि की उसमें है ये टेलीथ्रोमाइसिन तो टेलीथ्रोमाइसिन इज यूज सर्टन टाइप ऑफ न्यूमोनिया एन इन्फेक्शन कोज बाय द बैक्टीरिया एंड स्पेशली अफेक्ट द लंग्स कि जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है न्यूमोनिया और स्पेशली हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं तो उसके अंदर भी ये टेलीथ्रोमाइसिन यूज होती है टेलीथ्रोमाइसिन इज ए क्लास ऑफ मेडिकेशंस कॉल कीटोलाइड एंटीबायोटिक कि वो कीटोलाइड एंटीबायोटिक की कैटेगरी के अंदर पड़ता है एंड वर्कस बाय किलिंग द बैक्टीरिया बैक्टीरिया को कील करता है एंटीबायोटिक सचेज टेलीथ्रोमाइसिन नॉट वर्क फॉर कोल्ड्स, फ्लू और अदर वायरल इन्फेक्शन ये आपका खास पॉइंट समझो नॉट वर्क यहाँ पे खास पॉइंट लिखा है कि एंटीबायोटिक सजेस्ट टेलीथ्रोमाइसिन नॉट वर्क फॉर कोल्ड फ्लू एंड अदर वायरल इन्फेक्शन इसलिए आपने देखा होगा कि जब आपको कोल्ड फ्लू या कोई वायरल इन्फेक्शन होते हैं उस वक्त आपने टेलीथ्रोमाइसिन कभी यूज नहीं की होगी जब स्पेशली न्यूमोनिया के पेशेंट को ही ट्रीट करने के लिए वो भी स्पेशल केसेस जब कुछ होते हैं कि सीवियरिटी डिसीज की ज़्यादा हो रेजिथ्रोमाइसिन अफेक्ट नहीं कर रही या फिर क्लैरिथ्रो रेग्जी थ्रो अफेक्ट नहीं कर रही है, है पेशेंट को तो उस वक्त आपके पास ये टेलीथ्रोमाइसिन का ऑप्शन रहता है पेशेंट के लिए तो ये था किटोलाइट के बारे में भी हमने जान लिया उसकी मेकेनिजम्स देखे मैक्रोलाइट्स की तो मैक्रोलाइट्स इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन के सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको वो इनहिबिट करते हैं जिसके कारण आगे जाके वो बैक्टीरिया की डेथ होती है उसका रिबोजोमल ट्रांसलोकेशन होने के कारण बिकॉज जो रिबोजोम ऑर्गेनल्स है वो हम जानते हैं कि रिबोजोम का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना प्रोटीन सिंथेसिस का काम है और अब समझो कि ये रिबोजोम का ही ट्रांसलोकेशन हो जाता है तो, तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगा ड्यू टू दिस मैक्रोलाइट क्लास जो चाहे वो एजिथ्रो है क्लैरिथ्रो है या फिर रॉगिथ्रोमाइसिन है या फिर इरिथ्रोमाइसिन है फिर वो जो फिफ्टी एस सब यूनिट होता है रिबोजोम्स का उससे बाइंड होते हैं ये जो रिबोजोम्स के यूनिट्स क्या होते हैं वो जानने के लिए आप हमारे लेटेस्ट लेक्चर है कि प्रो कैरियर यू पर हमने जो बनाए हैं प्रो कैरियोटिक सेल यू कैरियोटिक सेल तो उसके अंदर आपको ये रिबोजोम के बारे में भी सीखने को मिल जाएगा डिटेल में बैक्टीरियल रिबोजोम एज अ क्लोराम फेलिकोन एंड क्लिंडामाइसिन की जो रिबोजोम के जो फिफ्टी एस यूनिट होते हैं उसके साथ ये बाइंड होके उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते जिसके कारण आगे प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टॉप हो जाता है कि उनकी जो एक्शन है वो बैक्टीरियो स्टेटिक है एट लो कॉन्सेंट्रेशन स्टेटिक स्टेटिस्टिक्स कम कर देता है मतलब कि उनकी ग्रोथ इनहिबिट करता है और जब उनको हायर डोज में देंगे तो बैक्टीरिया सीडल का, का काम करेगा मतलब कि सीडल में उनको कील ही कर देगा और स्टेटिक के अंदर ग्रोथ को इनहिबिट करेगा तो ग्रोथ इनहिबिट वर्सेस किल मतलब कि सीडल मतलब कि किलिंग एंड ग्रोथ को इनहिबिट करना मतलब कि न्यूमोरिकल्स वैल्यू को कम करना वो हो गई बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन तो या सीडल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंसर एंड इट्स रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाई इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इट कंबाइंड विथ फिफ्टी रिबोजो सब यूनिट एंड प्रिवेंट द ट्रांसलोकेशन की जो मैंने अभी आपको समझाया है वही है स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहे जाते हैं कि जो पेनिसिलिन जी के सिमिलर है स्पेक्ट्रम में सिमिलर टू पेनिसिलिन जी स्पेक्ट्रम मतलब कि कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही टारगेट करते हैं कि स्पेशली मोस्टली ग्राम पॉजिटिव एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कि मोस्टली तो ग्राम पॉजिटिव है बट फ्यू ग्राम नेगेटिव और हमने देखा कि स्ट्रेप्टोमा स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस की जो पायरोजेंस होते हैं कि जो स्पेशली फीवर कर सकते हैं बॉडी के अंदर अलग अलग बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं उनको ये किल कर सकते हैं फिर न्यूमोनिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि जिसके कारण स्ट्रेप्टोमाइसन न्यूमोनिया को किल करता है गोनोरिया नाइजेरिया गोनोरिए क्लोस्ट्रीडियम कॉरिनो बैक्टेरियम एंड लिस्टेरिया वगैरह को ये हमारी मैक्रोलाइ क्लास की ड्रग है वो जो है वो उनको किल भी कर सकती है एज वेल एज उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने में हेल्प करती है इसी के कारण आप देखो न्यूमोनिया के अंदर काफी इफेक्टिव है थ्रॉड इंफेक्शन के लिए ये काफी इफेक्टिव है मैक्रोलाइट एजिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज लाइक गोनोरिया के अंदर भी इफेक्टिव है क्लोस्टोडियम की के कारण जो होते बैक्टीरिया इन्फेक्शन के अंदर काफ़ी इफेक्टिव से उसके अलावा कैम्पाइलो है लीजी योनेला है ब्रह्म जी वजाइनाइलिस की जो वजाइना को अफेक्ट करता है माइकोप्लाज्मा विच आर नॉट अफेक्टेड बाय पेनिसिलिन इज आल्सो हाईली सक्सेप्टिबल टू इरिथ्रोमाइसिन उसके अलावा मॉडरेटली सेंसिटिव टू एच इन्फ्लुएंजा पर्टूसिस एंग एंग या। इन ग्राम की जो मैक्रोलाइट क्लास की जो ड्रग है इनइेक्टिव है एंटेरोक्टीरिया के सामने और एंड ग्राम नेगेटिव बेसिली बैक्टीरिया के सामने ये कंप्लीटली इनइेक्टिव रहेगी एडवर्स इफेक्ट जाने तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के अंदर देखें तो एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है पेशेंट को डायरिया हो सकता है रिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो सकता है एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लाइक रेसिस ज़्यादा होते हैं जब ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आप ये ले लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन क्लैरिथ्रो रेगजिथ्रो या फिर इरीथ्रो तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कई बार पेशेंट को देखी जाती है कि लाइक रेसिस होते हैं स्किन ऊपर डायरिया देखे जाते हैं किसी पेशेंट्स के अंदर डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है एपिगैस्ट्रिक पेन होता है और ज्यादा सीवियर के अंदर रिवर्सिबल हियरिंग लॉस और कई बार फीवर भी होता है तो यह है एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस क्लास ऑफ ड्रग्स इंटरक्शंस देखे तो इट इंटिट द हिपेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैनी ड्रग्स एंड राइज द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन कार्बामेजेपाइन वालपोरिटेन अरगोटामाइन इन वार तो ये था मैक्रोलाइट्स की जो मेडिसिन के बारे में हमने बेसिक यूज़ जाना तो आर टी आई के अंदर उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है रेस्परेट अटैक इन्फेक्शन न्यूमोनिया है थ्रॉट इन्फेक्शन है चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शन है किसी पेशेंट को तो वो सब केसेस के अंदर हम ये जो मेडिसिन है उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं तो ये था बेजिक यूज़ ऑफ़ ड्रग्स एंड मेडिसिन का पार्ट एट लेक्चर अब जान लेते हैं फाइनली उसके यूजेस तो इट इज़ यूज एज एन अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन कि जब पेनिसिलिन काफ़ी कुछ पेशेंट्स के लिए काफ़ी वो हाई डोज वाली मेडिसिन बन जाती है या फिर काफ़ी हैवी बन जाती है कि वो मेडिसिन सूट नहीं होती कई बार तो उस वक्त उसके अल्टरनेटिव के अंदर हम ये एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा प्रीफर करते हैं प्लस स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंगाइटिस के अंदर हो करते हैं फेरिंग्स टॉन्सिलाइटिस एंड मेस्ट्रो मेस्टो आइडिटिस तो यूजली ये पोर्सन है वो होगा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शंस। तो उसी के अंदर खास यूज़ करते हैं प्रोफाइल एक्सिस ऑफ आर एफ एन एस ए बी डिप्थेरिया टीटेनस एंड एच वन टू टी टी एंड गोनर एन लेप्टोस्पायरोसिस के लिए हम ये यूज़ करते हैं तो रिमिटेड फैक्टर्स के प्रोफाइल एक्सिस के अंदर अल्टरनेटिव उसका यूज है तो ये थी यूज़ेस ऑफ माइक्रोलाइट एज अ फर्स्ट चॉइस ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस हम देखें तो न्यूमोनिया की जो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है उसमें ये फर्स्ट चॉइस ड्रग है वूपिंग कफ के अंदर एंड कैंक्रोइ के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस बनते हैं ये मेडिसिन थेरापिटिक यूज़ में अल्टरनेटिव टू पेनेसिलिन डिप्थेरिया, टिटेनस लैप्टोस्पायरोसिस सिफिलिस एंड गोनोरिया। उसके अलावा सेकंड चॉइस ड्रग के अंदर ट्रेचोमेटिस इन्फेक्शन ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक पेनिसिलिन रेजिस्टेंस ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एंड लेजियोनेरिस न्यूमोनिया एंड कैंपाइलोबैक्टर एंटेराइटिस के अंदर भी उसका थेरापिटिक यूज है एज अ सेकंड चॉइस ड्रग सेकंड चॉइस ड्रग मतलब कि पेनिसिलिन समझे कि इफेक्टिव नहीं करती तो उस वक्त आप स्टेप स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस के लिए फिर मैक्रोलाइट प्रिफर करेंगे फिर यूरोजेनिटल ट्रैक के लिए भी प्रिफर किए जाते हैं लेजियोनेर्स न्यूमोनिया कैंपाइलो बैक्टेरियन एंटेराइटिस वगैरह के अंदर भी मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस टाइप के ये सभी के अंदर ये, ये यूज की जाती है फिर ये ड्रग इंटरैक्शंस के इनहिबिट द हिपेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैनी ड्रग्स हिपेटिक ऑक्सीडेशन जो होता है कुछ ड्रग्स का लाइक थीओफलिन तो उसका प्लाज्मा लेवल इंक्रीज करता है कार्बामेजिपिन वाल्पोरेट अर्गोडामाइन वारफेरिन वारपेरिन तो उसका मतलब ये होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर ये सब मेडिसिन प्रेजेंट हो तो उस वक्त आप मैक्रोलाइट्स को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज मैक्रोलाइट्स क्या करेंगे हिपेटिक ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर देती है कि लाइक जिसके कारण क्या होगा कि हिपेटिक ऑक्सीडेशंस जब होते हैं इस टाइप के जो मेडिसिन के तो हिपेटिक ऑक्सीडेशन के कारण ये मेडिसिन आगे जाके एक्सक्रिएट हो जाती है प्रॉपरली कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के थ्रू तो आगे जाके फिर वो मेडिसिन का एक्सक्रिएसन होता है जो उनके अंदर प्रेजेंट जो कुछ वेस्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली चाहे स्टूल के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू बॉडी में से निकल जाते हैं बट इन प्रेजेंस ऑफ एजिथ्रोमाइसिन ये ऑक्सीडेशन इनहिबिट हो जाता है जिसके कारण आपके ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये सब मेडिसिन के जो लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज होते हैं एक्सक्रिएशन लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ये तो ड्रग इंटरक्शंस ऑफ दिस मैक्रोलाइट क्लास ऑफ ड्रग्स तो यहाँ पे हमारा ये बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन का पार्ट एटीन लेक्चर कंप्लीट होता है आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए ये वाला व्हाट्सएप नंबर है नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स आपको आपका नाम लिखना है लाइक आपका नाम है मोनिका एंड आप है पुणे से तो जस्ट इतना ही लिखे मोनिका फ्रॉम पुणे और डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगे फार्मरऑक्स के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे एज वेल एज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए फॉर सच मोर फॉर एजुकेशनल वीडियो एंड अब आप जो है वो एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे टेस्ट सीरीज मिलेगी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फार्मरऑक्स का एंड प्रॉपर टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी कि जिससे आप आपका इवेल्यूएसन भी कर सकते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है तो आप आपको जरूर से डाउनलोड करिए एंड ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए फार्मर की यूट्यूब एजुकेशनल चैनल फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे एज वेल एज ऑल्सो ना वी आर ऑन अवर ऑन मोबाइल एप्लीकेशन सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट